हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में आपके मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आपको बताता हूं, देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए और ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और देखिए ये सब क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये सीखने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको पूछा जाए कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो कैसे बता पाओगे? आइए आपको सिखाता हूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए दोस्तों यहां पर छोटा ट्रायंगल बना लेता हूं मैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि देखिए ये बेस है, ठीक है, तो यहां पर 1 और यहां पर 2। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? टोटल 3 है। क्या करना होता है? 1 + 2 = 3। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है। तो इसी से दोस्तों इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं हम पता कर लेंगे। कैसे? देखिए ये बेस है, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख लेना आपको। इन सबको प्लस करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 28 मिलेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर एक बेस आ गया, तो यहां पर 1 2 3 4 5 लिखोगे, इन सबको प्लस करोगे आप तो 5 + 4 = 9 9 + 10 10 + 5 कितना होगा? 15 होगा। तो यहां पर आप 50 निकलोगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहां पर एक बेस दिया हुआ है, तो 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखोगे, इन सबको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 6 मिलेगा। और यहां पर 1 है तो यहां पर 1 लिख लिया, और इन सबको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 50 मिलेगा। मतलब इस फिगर में दोस्तों नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 50 है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए अब एग्जाम में तो अब आप इजी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन आपके लिए। अब आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं ये पता करना है। तो कैसे पता कर पाओगे? सबसे पहले क्या सीखना होगा आपको? बेसिक चीज सीखना होगा आपको। तो देखिए यहां पर एक स्क्वायर बना लेता हूं इस तरह से मैं, और आपको पूछा जाए कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं तो कैसे बता पाओगे? तो देखिए यहां पर एक 1 हो गया, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, और बड़ा वाला देखिए एक है 5, ठीक है। तो मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने? 5 है। इतना क्लियर हो गया? तो आप यहां पर लिख लीजिए 5 लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए नंबर 1, ये रहा 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लोगे आप। इतना क्लियर है? उसके बाद करना क्या है, देखिए टोटल कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 है, तो एक कम लिख लीजिए। तो यहां पर क्या करोगे? -1 करोगे तो यहां पर 5 आ जाएगा। इतना क्लियर? अब क्या करना होगा? 5 6 30 करना होगा, -5, तो टोटल देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 25 है। फिर से समझा देता हूं आपको मैं। आपने क्या किया, सबसे बेसिक चीज में आपने सीखा कि इसमें कितने स्क्वायर है? 5 स्क्वायर है, तो आपने यहां पर 5 लिखा। उसके बाद दोस्तों फिगर में देखोगे कितने स्क्वायर दिए हुए, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, जितने स्क्वायर दिया है उसे कम ले लेना है और माइनस कर देना है। तो 5 6 30 - 5, तो 25 दोस्तों इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये देखिए इसे सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए तो यहां पर 7, यहां पर 3, यहां पर 28 दिया है, तो एक काम करता हूं मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। तो यहां पर 7 × 3 करूंगा तो मुझे 21 मिलेगा, लेकिन दोस्तों मुझे यहां पर 28 लाना है, तो 21 में प्लस 7 करूंगा तो मुझे 28 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर 9 8 और यहां पर 81 दिया है, तो यहां पर भी क्या करता हूं 9 × 8 करूंगा मैं तो मुझे 72 मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर प्लस 7 किया था तो यहां पर प्लस 7 करूंगा तो मुझे 81 नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा, मुझे यहां पर 9 प्लस करूंगा तो ही मुझे यहां पर 81 मिलेगा। तो कुछ लॉजिक समझ में आया? यहां पर लॉजिक यह है कि यहां पर 7 है इसीलिए यहां पर 7 आया, ठीक है, और यहां पर 9 है इसलिए यहां पर 9 आया। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर 5 दिया है तो यहां पर 5 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय यहां पर x लिखता हूं मैं क्योंकि मुझे यहां पर वैल्यू नहीं पता है इसके लिए, ठीक है। और यहां पर प्लस क्या करूंगा, यहां पर 5 दिया है तो यहां पर 5 लिखूंगा = 50, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 × x क्या होगा, 5x होगा = 50, ये प्लस उधर जाए क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो -5, तो 5x कितना होगा यहां पर 45, ये 5x मल्टीप्लाई में दिया है उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x = 45 / 5
5 9 45, तो x इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा दोस्तों, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि सभी लोग जानते हो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम करीब आ गया और स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो मेहनत सही से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कैसे पता चलेगा, तो वर्कशीट सॉल्व करने से पता चलेगा। तो आपके लिए दोस्तों ओसवाल के ये बुक लेके आया दोस्तों। इस बुक के अंदर 3 सब्जेक्ट का वर्कशीट इंक्लूड किया है, जैसे दोस्तों साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। और दोस्तों ये जो बुक दोस्तों जो CBSE ने लेटेस्ट अपडेट किया है, उस अपडेट के हिसाब से बुक को डिजाइन किया गया है। और दोस्तों आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इंक्लूड्स प्रोग्रेस चेक फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, और दोस्तों यहां पर एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, MCQ और हर एक चीज दोस्तों डिटेल में मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हर एक चैप्टर का वर्कशीट बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। तो अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर ए जी आई आर एल और यहां पर क्वेश्चन मार्क ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों ए का अल्फाबेट नंबर क्या होता है, 1 होता है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद देखोगे दोस्तों ये जी, देखिए जी का अल्फाबेट नंबर क्या होता है, 7 होता है। आई का अल्फाबेट नंबर 9 होता है और आर का अल्फाबेट नंबर 18 और एल का क्या होता है दोस्तों, 12 होता है, ये मैंने लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर देखोगे ये 12 है और यहां पर 7 है, ठीक है, ये 18 है और यहां पर 1, कुछ समझ में आ रहा है कुछ। देखोगे अगर ये 12 प्लस 7, तो 12 प्लस 7 कितना होगा दोस्तों, 19 होगा, ठीक है। और यहां पर 18 और यहां पर 1 दिया है, तो 18 प्लस 1 करूंगा कितना मिलेगा मुझे, 19 मिल जाएगा। इतना क्लियर, मतलब प्लस के 19 लाना है। तो यहां पर 9 दिया है तो सामने वाला नंबर क्या होगा, मतलब अल्फाबेट क्या होगा, कैसे पता करेंगे, तो यहां पर 9 है तो 9 प्लस 10 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। तो 10 नंबर वाला अल्फाबेट कौन सा होगा दोस्तों, जे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, जे होगा। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आप कुछ सीखोगे, कुछ नया सीखोगे। यहां पर देखोगे दोस्तों यहां पर 67, यहां पर 71, यहां पर 79 और यहां पर 83। अगर आप डिफरेंस निकालना चाहोगे, अगर तो डिफरेंस निकालोगे भी अगर, तो क्या होगा 67 और यहां पर 71, डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, ठीक है। यहां पर देखोगे इसके जो डिफरेंस कितना है दोस्तों, 79 है, उसके बाद क्या होगा यहां पर 80, उसके बाद 3, तो मतलब यहां पर 4 का डिफरेंस है। अब यहां पर क्या होगा, 71 है तो 71 प्लस 4 होगा तो 75 होना चाहिए, 75 ऑप्शन में 75 नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये जो भी मैंने आपको सिखाया टोटली गलत हो गया। कुछ नया ट्रिक लगाना होगा, वो ट्रिक क्या होगा आइए आपको बताता हूं। देखिए ये 67, ये 71, ये 79 और ये 83, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। तो 67 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद कौन सा आएगा, 71 एक प्राइम नंबर है, तो 71 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 73 होगा जो एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 79, उसके बाद 83, ये सब क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।